हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 24th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैंग और उसके साथी नाजिया को बेवकूफ बना देते हैं और रोजू भी इस प्लान में उनके साथ मिला हुआ था। इधर शीगुओ इस बात से परेशान है कि हेवन पर डार्क सोल्स का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और इसका कारण है डाई शीटियान, जो इस शैतानी ताकत को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। तो ये एपिसोड हेवन के एक सीन से शुरू होता है जहां ग्वान के असिस्टेंट निंग निंग उसके ऑफिस की सफाई कर रही है। तभी उसे ग्वान का एक पर्सनल स्क्रोल मिलता है और वो उसे पढ़कर वापस वहीं रख देती है, लेकिन वापस जाते हुए गलती से वो ग्वान की कलम को हिला देती है। आगे का सीन शेडो होल का है, जहां डाई शीटियान निंग निंग से पूछता है कि आखिर उस स्क्रोल में क्या लिखा हुआ था। निंग निंग बताती है कि ग्वान पैलेस में मरने वाले लोगों की जांच कर रहा है और ये सुनकर पास ही खड़ा एक नकाबपोश परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमें जल्दी से ग्वान को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन डाई शीटियान इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि उससे पहले हमें रूलाई से निपटना होगा क्योंकि वो मेरी तलवार तक पहुँच चुका है। तब नकाबपोश उसे ग्वान का कोई सोल्यूशन निकालने को कहता है और डाई शीटियान बताता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही मैं उसे गुमराह करने वाला हूँ। निंग निंग भी ये सुनकर खुश हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब खेल में मजा आने वाला है। आगे हम पैलेस की कुछ मेट्स को देखते हैं और तभी वो नकाबपोश उनमें से एक को किडनैप कर लेता है। इधर ऑफिस में बैठे ग्वान को भी किसी डार्क सोल का एहसास होता है और वो तुरंत उसे बाहर चेक करने जाता है। वहाँ उसे वो नकाबपोश नजर आता है जो उस मेट को लेकर भाग रहा है और ग्वान उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि अब मेरा शक यकीन में बदल गया है और ये कहते ही वो नकाबपोश भी उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। ग्वान उससे उसका नाम और यहाँ आने का कारण पूछता है, लेकिन नकाबपोश कहता है कि मरने वाले को ये जानने की कोई जरूरत नहीं है और अचानक ग्वान पर अटैक कर देता है। ग्वान भी उसके अटैक्स को नोटिस करता है क्योंकि वो किसी देवता या असुर से कहीं ज्यादा खतरनाक है और फिर जल्दी ही उस नकाबपोश को काबू कर लेता है। वो अपने सवालों को फिर से दोहराता है, लेकिन देखता है कि नकाबपोश उसे घायल करने में कामयाब हो गया है। वो भी उसकी पावर देखकर हैरान रह जाता है और तभी वो आदमी अपनी एक और पावर एक्टिवेट करता है जिसे काफी सारे श्रेड्स ग्वान की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाए, ग्वान अपनी डिवाइन पावर से उन्हें रोक लेता है। फिर वो अपने 1000 हैंड अटैक से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नकाबपोश भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और वो ग्वान पर एक ऐसी पावर का यूज करता है जिससे ग्वान उसे भागने से नहीं रोक पाता। ग्वान भी ऐसा मूव देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब कैसा मायाजाल है। वो मेट्स भी ग्वान को लड़ते देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उस नकाबपोश के सेंट का पीछा करता है और देखता है कि वो तो जनरल येन के कमरे से आ रही है। येन तो उसे वहाँ कहीं नजर नहीं आता, लेकिन वहाँ एक अलमारी से उसे खून निकलता दिखता है। खोलने पर उसे उसमें एक मेट की बॉडी मिलती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पूरा खून पी लिया है। तभी भागती हुई निंग निंग वहाँ आती है और बताती है कि डाई शीटियान आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। ग्वान भी पैलेस में पहुँच जाता है और वहाँ डाई शीटियान उसे बताता है कि हेवन में डार्क सोल्स का आतंक बढ़ता जा रहा है और हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। आगे वो कहता है कि मेरे हिसाब से ये किसी अंदर के आदमी का काम है और मैं खुद भी छुपकर इनसे लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। ग्वान पूछता है कि आप ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो, और तब डाई शीटियान कहता है कि डार्क सोल खुद को छुपाने में बहुत माहिर हैं और तुम दोस्त और दुश्मन के फर्क को नहीं पहचान सकते। हो सकता है कि वो तुम्हारे किसी साथी देवता में से एक हो या फिर रूप बदल कर तुम्हारी मेड बन गई हो, मतलब तुम चाहकर भी उनके असली इरादे नहीं जान सकते। आगे वो ग्वान से कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ना जाने डार्क सोल किस में बसी हुई है और यहाँ तक कि जनरल येन भी उनके कब्जे में आ गया है जिसने आज तक हेवन की खूब सेवा की है। ग्वान भी ये सुनकर चौंक जाता है और तब डाई शीटियान कहता है कि मुझे भी ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आगे हम फिर से शेडो होल को देखते हैं जहाँ बीचों बीच एक मेट की बॉडी रखी हुई है और वो डार्क सोल्स उसे खाने की तैयारी कर रही हैं। तभी डाई शीटियान वहाँ आता है और एक आदमी उससे पूछता है कि इस तरह ग्वान को भटकाने का क्या मतलब है और इससे अच्छा तो हम उसे जान से मार डालें। तब डाई शीटियान उन्हें समझाता है कि जल्दबाजी करने में कोई फायदा नहीं है और जब तक ग्वान हमारी साइड पर है दूसरे देवता हमें छू तक नहीं सकते।
उन्हें बस देवताओं को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा और वो यूं ही आपस में लड़कर मारे जाएंगे। एक दूसरे आदमी को लगता है कि कहीं ग्वान को उनके प्लान का पता ना लग जाए, लेकिन डाई शिटियान को इससे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि ग्वान उसके ऑर्डर्स को नहीं टाल सकता और उसके दिए काम को हर हाल में पूरा करेगा। असली खतरा तो उन्हें जनरल यान से है और वो ग्वान के हाथों उसे मरवाना चाहता है। फिर वो सब उस मेट का ब्लड पीने लगते हैं और कसम खाते हैं कि जल्दी ही वो पूरे हेवन पर कब्जा कर लेंगे। इधर डाई शिटियान के कहने पर ग्वान जनरल यान को रेस्ट करने जाता है और यान उसे इसका कारण पूछता है। तब ग्वान उसे बताता है कि तुम पर एक डार्क सोल होने का आरोप है और आज ही तुम्हारे मेंशन से एक बॉडी भी मिली है। यान इसे किसी की चाल बताता है, लेकिन ग्वान कहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। यान गुस्से में अपना हथियार निकाल लेता है और ग्वान उसे वार्न करता है कि तुम मुझे फोर्स यूज करने पर मजबूर कर रहे हो। यान को लगता है कि इस तरह देवताओं को अरेस्ट करने से हेवन कमजोर हो जाएगा और डार्क सोल्स भी शायद यही चाहती हैं। लेकिन ग्वान उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इससे उसका फैसला नहीं बदल सकता। फिर वो सीक्रेटली यान को एक मैसेज भेजता है कि हेवन पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। यान भी उसकी बात समझ जाता है और खुद को उसके हवाले कर देता है। फिर ग्वान सोल्जर से हेवन को अच्छे से चेक करने को बोलता है ताकि कोई भी डार्क सोल उनसे ना बच पाए और उसके सोल्जर एक देवता बाइडू को पकड़ने आते हैं। बाइडू उनके साथ चलने से मना कर देता है और तब सोल्जर उसे बताता है कि ये सब ग्वान के ऑर्डर से हुआ है और हम शक के बिना पर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर बाइडू गुस्से में अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी ग्वान वहाँ आकर उसे रोक लेता है और उसके एक ही पंच में बाइडू ढेर हो जाता है। इसी तरह वो वेस्टर्न गेट के सोल्जर्स और वहाँ की मेट्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं और ग्वान कहता है कि तुम सब भी मेरी नजरों में सस्पेक्ट ही हो। आगे वो वेस्टर्न गेट के किंग मुटियान के पास आता है और उसे ग्वान की ऐसी हरकत पर बहुत नाराजगी होती है। वो ग्वान से कहता है कि मैं सालों से वेस्टर्न गेट पर राज कर रहा हूँ और आज तक मुझे छूने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, तो फिर तुम मुझे इंसल्ट कैसे कर सकते हो। ग्वान उसे इसकी गलतफहमी बताता है और कहता है कि मैं आज भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिलहाल सिचुएशन बदल चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। म्यूटियान को लगता है कि वो शायद बेवजह ही इतना डर रहा है और उसके इन फैसलों से हेवन की फ्लोटिंग प्रिजन भरती जा रही है। तब ग्वान उसे बताता है कि डार्क सोल्स रूप बदलने में बहुत माहिर है और वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। फिर वो उससे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है और म्यूटियान कहता है कि तुम हेवन को बर्बाद करके ही रहोगे। आगे हम उसे अपने सोल्जर्स के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी उसे किसी अनजान आदमी के होने का एहसास होता है। सोल्जर्स उससे इसका कारण पूछते हैं और तभी हम देखते हैं कि मंकी किंग हेवन में आ पहुँचा है। ग्वान भी शायद ये बात समझ जाता है, लेकिन कहता है कि आज हम बहुत थक गए हैं और अब हमें जाकर आराम करना चाहिए। मंकी किंग भी ये सब नोटिस करता है और वहाँ से निकलकर एक ऊंची चोटी पर आ जाता है। वो कहता है कि फाइनली मैं हेवन में वापस आ गया हूँ और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।